69 साल के एक शख्स ने नीट का एग्जाम दिया। आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि जिस उम्र में लोग जो है अपने घर पर बैठकर आराम करते हैं और ये सोचते हैं कि उनका बुढ़ापा अब आने वाले समय में कैसे गुजरेगा और किस प्रकार से गुजरेगा, इसकी प्लानिंग करते हैं, तो वहीं एक शख्स जिसकी उम्र 69 साल है उसने नीट का एग्जाम दिया। आपको हम बता दें कि उस शख्स का नाम मोहनलाल है। मोहनलाल की उम्र 69 साल है। मोहनलाल बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन घर परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर परिवार वाले मोहनलाल को वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाए जिनसे वो डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन अध्यापकों ने मोहनलाल का भरपूर साथ दिया। मोहनलाल ने पढ़ाई की और मोहनलाल सरकारी नौकरी पा गए। आपको हम बता दें कि अकाउंट ऑफिसर मोहनलाल लगे और 2020 में वो रिटायर हो गए। 2020 के बाद मोहनलाल ने सोचा कि क्यों ना अपने उस सपने को साकार कर दिया जाए। मोहनलाल ने जांच पड़ताल की कि अगर नीट का एग्जाम देना है तो उसके लिए एज लिमिट क्या है। तो एक एज लिमिट यहां पर यह सामने आया कि सीनियर सिटीजन का भी एक एज लिमिट होता है, और उस एज लिमिट से पहले पहले जो है मोहनलाल को परीक्षा में जाना था। फॉर्म भरा और पहुंच गए सीधा परीक्षा देने। जैसे ही मोहनलाल परीक्षा देने पहुंचे, वहां पर मोहनलाल बताते हैं कि मैं घबरा गया था, क्योंकि सब वहां पर युवा खड़े हुए थे और वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि मानो मैं कोई एक अलग ही प्राणी हूं। और मोहनलाल बताते हैं कि मुझे इस बात का डर लग रहा था कि न जाने ये लोग मुझसे क्या क्या सवाल पूछ लेंगे, न जाने ये मुझे एंट्री देंगे या फिर नहीं। लेकिन मोहनलाल इसके आगे ये बताते हैं कि जैसे ही हम कक्षा द्वार पर पहुंचे, वहां पर मैंने अपना रोल नंबर उनको दिखाया और उसके बाद मुझे अंदर जाने का अवसर मिला और मैं अंदर जाकर मैंने नीट का एग्जाम दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, सीमा नहीं है। आप जब चाहे आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और उसे छोड़ भी सकते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी की एक बात रहती है कि इस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मोहनलाल यूपी के रहने वाले हैं और आपको मैं बता दूं कि यूपी सरकार में उन्होंने एज ए अकाउंट ऑफिसर काम किया है, ऑडिट ऑफिसर काम किया है, और 2020 में वो रिटायर हुए। अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने नीट का एग्जाम दिया और अब वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। जरा सोचिए कि इस उम्र में जब लोग अपना आपा खो लेते हैं, जब लोग ये सोचते हैं कि अब जो बचे हुए 4 दिन गुजारने हैं वो अच्छे से गुजरे, ऐसे में एक शख्स जिसका नाम मोहनलाल है उसने ये ठाना कि मुझे जो है वो डॉक्टर बनना है। आपको हम बता दें कि मोहनलाल ने अपने घर पर एक लाइब्रेरी भी रखी हुई है। उस लाइब्रेरी में दिन में बच्चे आते हैं, वहां पर वो पढ़ाई करते हैं। मोहनलाल जो है वो उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि आप भी अपने सपनों को किस प्रकार से साकार कर सकते हैं। ये सिलसिला ऐसा ही चलता जा रहा है। मोहनलाल जो है वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोहनलाल कहते हैं कि जिस समय मेरा समय था पढ़ने का, उस समय मेरे घर वालों ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं करा क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। लेकिन आज का समय वैसा नहीं है। आज के समय में बच्चे जो हैं वो एडवांस हो चुके हैं और परिवार वाले भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसलिए बच्चों को वो सपोर्ट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप लोग जो हैं वो किस प्रकार से मेहनत कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज से पहले कभी ऐसा ना ही हमने सुना और ना ही हमने ऐसा कभी देखा कि 69 साल का एक बुजुर्ग जिसका नाम मोहनलाल है उसने नीट एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल किया और बाकायदा जो है वो एग्जाम दिया। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताऊं कि इस समय मोहनलाल की जमकर तारीफ हो रही है कि जज्बा हो तो मोहनलाल जैसा। तो आप अपना सपना पूरा करने के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने मोहनलाल से क्या सीखा ये भी हमें जरूर बताइएगा। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।